मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस मेरे इतनी तेज खांसी हो रही है, इतनी तेज खांसी हो रही है, मैंने अभी ये वाली दवाई पी है। अब देखो रुकेगी क्या नहीं, बहुत खांसी हो रही है। सुबह बिल्कुल खांसी रही थी और अभी मैं एक घंटा सोई थी, एक घंटा सो के उठी, मेरे इतनी तेज खांसी हो रही है। तो गाइस मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मेरे लिए पराठा डाल दो। मम्मी ने बोला नहीं, बनाना शेक बना के पी ले। तो मैं अब बनाना शेक बनाऊंगा, पर उससे पहले हम खेलेंगे एक गेम। उस गेम में पहले मम्मी रखेंगी अपने सर पे एक ग्लास, देखते नहीं हैं। पहले नहीं, हेड टेल करेंगे जिसका। अरे हाँ ठीक है, मतलब कोई भी रख लेगा, हेड टेल कर लेंगे। वो जैसे जैसे जिसकी भी बारी आई ना, तो वो रखेगा अपने सर पे पहले ग्लास और देखेंगे वो कितनी देर तक होल्ड करते हैं मम्मी का टेल पे। चलो उछालो, 1 2 3 ढंग से नहीं उछला, से तो हिला नहीं सिक्का अच्छे से। अब ये हिलाएगा देखो, मम्मी का टेल्स है, मेरा हेड है, ठीक है दिखा दो। 1 2 3 बताओ क्या आया होगा, मुझे क्या पता, दिखा जल्दी झूठी। हेड अब तेरा है, ठीक है मैं। हमें मिलेंगे 4 राउंड, 4 राउंड में सबसे ज्यादा एक राउंड पहले में, 4 में तो ऐसा कोई भी जीत जाए। चल 4 राउंड नहीं, 1 राउंड। अब देखते पहले सबसे पहले कितनी देर में गिराता है। 1 2 3 तेज चल, तूने यहीं पर गिरा दिया देख लेना। इसने गिराया इस लेवल में, इस यहाँ पर, ये फूल की लेवल में। अब मैं देखती हूँ मैं कहाँ तक गिराऊंगी। लो मम्मी मग्गा लेके जाओ खेत में। अब 1 2 3 गो, आउट है भाई, शुरू होते ही खत्म। तो 1 2 3 कर रहा है, जा मतलब चूड़ा और रखा है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 गो। लो मैं जीता हूँ एक राउंड, मेरा भी यहीं गिरा है। और पीयूष का दूसरा राउंड चालू हो चुका है। 1 2 3 यहाँ पे सही, यहाँ पर पढ़ दे तक। गाइस एक राउंड मैं जीत चुका हूँ, अब वाला देख। ओ तेरी, आपका सर रह रही है क्यों? देख मैं तेज मम्मी यार ये चीटिंग है, क्लचर में अटका लिया, दोबारे करो यार, दोबारे करो, ये चीटिंग है। रेडी स्टडी ऑन योर मार्क गेट सेट गो, भागो भाई। मम्मी चीटिंग मत करो प्लीज, माना करो। अभी आप साइड में खड़ा हुआ, क्लचर हटा दो। नहीं नहीं क्लचर हटा दो, बार फिर जाएंगे इस वक्त। अब की बारी आपने किया तो क्लचर हटा दूंगा। 3 2 1 गो। हाँ लो आउट ऑफ, लो तब भी। 2 राउंड में मैं जीता हूँ, मम्मी जीती है 0 राउंड में। इसके पापा लाए थे बनाना जो इसने नहीं खाए थे, यहाँ सज रहे थे वो कई दिन से। परसों बनाया था शेक, कल तो बनाना भूल गया। अब बना रहा है ये बनाना शेक, नहीं तो इसके पिताजी आके फिर गुस्सा करेंगे, इसलिए इसको बनाना शेक बनाने को बोल दिया गया है। क्योंकि ये कह रहा था पराठे डाल दो, मैंने कहा पराठे नहीं, तो बनाना शेक पी ले इससे अच्छा। हाँ मैं कह रही थी मुझे आलस आ रहा है, क्योंकि पीयूष बनाता है हमारे घर में सब्जी रोटी। अभी मैं सब्जी बना के चुकी हूँ और चटनी बना के चुकी हूँ। चटनी मैंने बनाई है कचरी की और सब्जी मैंने बनाई है बैगन आलू, जो आप आके खा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं छिलकों का है, ये हमारे पीयूष का काम है, स्लिप पे छिलके का काम है, प्याज के, हाँ है प्याज के, केले के, आलू के, जो भी पीयूष बनाता है उसके छिलके रखता है स्लिप पे। वो कौन सा करेगा, मैं कम वाली इनकी। गाइस पीयूष खाली भगोनी फ्रिज में रख रहा था, दूध निकाल दिया सारा, देखो खाली भगोनी फ्रिज में रखने जा रहा था वो। गाइस का ऊपर रखना, अरे बता दो इधर कैमरा कर रखा, आपकी तरफ कैमरा ही नहीं है। इस पर धो देंगे, ये जो है ना ऊपर से निकल जाएगा सारा तेरा मोंडा सब जाएगा, ये जो चेहरा नहीं बैठा है इसको सब जाएगा। ये देखो मिक्सी के साथ भी खेल रहा है, कितना बदतमीज इंसान है। बनाना शेक बहुत तगड़ा बना था, पर मम्मी ने कुछ ना कुकर पे चढ़ा रखा है, सीटी पे सीटी मार रखा है। क्या बना रहे हो? बैगन आलू सब्जी चटनी। बैगन आलू की सब्जी मैं नहीं खाता, सब्जी तो कोई सी भी नहीं खाता। चटनी तो ठीक भी है, चटनी से दाल रोटी का दाल भी बनी है, चावल रखे सफेद छोकले। अब मुझे आज गोलगप्पे खिला दो। ओके गाइस नाना जी का फोन आ गया और मेरी मम्मी कह रही है फोन दे दे बाद में करियो अपनी वीडियो। ये टमाटर, टमाटर एक लिया खांसी की दवाई, एक लिया खांसी की दवाई, क्योंकि पलक दीदी के भी हो रही है खांसी और मेरे भी। अच्छा। तो खांसी की दवाई और वो लिया, और घर में है नहीं एक भी। अच्छा। और हरा धनिया नहीं, पीयूष हरा धनिया बहुत महंगा हो रहा है,
नहीं लाना, नहीं लाना हरा धनिया, किसी हालत में नहीं खाना। आप लोग हरा धनिया मत खाना, बहुत महंगा हो रहा है, मैं भी नहीं। और खाओ तो हमारे घर भी भिजवा देना, और खाओ तो हमारे घर भी भिजवा देना। 300 रुपए किलो हो रहा है, 400 से ऊपर। और भाई 1000 रुपए किलो हो रहा है, 400 से ऊपर हरा धनिया आ रहा है, जो फ्री में सब्जी के साथ मिला करता था किसी टाइम। ओ भाई आज धनिया की वैल्यू बढ़ गई, तो हम चटनी नहीं, जैसे हमारे घर में पल्लो दीदी की वैल्यू नहीं थी ना, अब तो धनिया की वैल्यू बढ़ गई। गाइस देखो, जब हरा धनिया की वैल्यू बढ़ सकती है तो हमारी भी बढ़ सकती है ना। बात में दम है, शेर जरूर भौंकता भी जी, क्या करूं, इसके मुंह पे टेप लगा दो। क्या बोल, यूज करते हो भौंकता, टेप लगा दो। भौंकता क्या होता है, देखो कितना बोलता है, दिखाओ कितना बोलता हूँ, दिखाओ कितना बोलता है। गाइस अब सब लोगों की छत इतनी सूनी सूनी है, एक भी जना अपनी छत पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या है इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 15 अगस्त चले गए, इसलिए अपनी छत पे कोई नहीं है। अब मैं ही हूँ सिर्फ अपनी छत पे, और दूसरों की छत पे है तो है सिर्फ कबूतर 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 कबूतर। वो कबूतर भी उड़ के चले गया यार मुझे देख के। गाइस इधर बास्केट लगा भाई, ये पूरी हिल चुकी है, देखो बास्केटबॉल खेलने के लिए। इधर लगवाई थी वो बिल्कुल टूट चुकी है, और वो टूटी हुई बास्केट है इस गुफा के अंदर वो रखी, और मेरी बास्केटबॉल है यहाँ पे, देखो एकदम क्लीन है, वरना पहले क्लीन नहीं हुआ करता था। मेरे पे पटाख का बारूद भी है, ये रहा। अब इसको बंद तो पहले मैं अपनी बास्केटबॉल उठाता हूँ, उठा ली बिन झुके, शॉर्ट रह गया। काफ़ी हफ्तों बाद मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, क्योंकि पेपर शुरू हो गए थे तो मम्मी ने जाने नहीं दिया प्रैक्टिस पे, कि पेपर पेपर रहने दे, पेपर के बाद जाइए वो, इसलिए। और छत पे भी नहीं आता था मैं खेलने, मोबाइल में गेम खेल लेता था आधा घंटा बस। टेल जाएगी नहीं जाएगी, पूरी बास्केट वैसे टेढ़ी तो हो गई, चली गई। कुछ दिन जा रहे हैं, सिर्फ कुछ दिन, जैसे ये वाली बास्केट टूटी है ना, वैसे वो वाली भी टूट जाएगी, ज़्यादा खेलूँगा। उस वाली बास्केट पे मैं ज़्यादा खेलता था, ये जो इधर वाली इसलिए टूट गई, डंक मार ली, पकड़ के कूद के लटक गया। वैसे इतना नहीं लटका जितना उस पर लटकाऊँ, वो नहीं टूटी, पर इस पर ज़्यादा शॉट मारे इसलिए टूट गई। पर यार वो वाली हमारे यहाँ पे ना कोई सिस्टम ही नहीं है बास्केट लगाने का, इसलिए एक भी शॉट मिस तो नहीं होगा, देख लेना। ये भी गया, देखो ये रही बॉल अपनी, और ये गई, ये नहीं गई, मैं कह रहा था ये नहीं गई, और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अब जाएगी। ये क्या हुआ, मैंने बॉल मारी एकदम से गमलों में आ गई बेचारे, ओ हो गया सीधा, मुझे लगा ये टूट गए। भाई तो सीधा ही रही हो तू, टूट गया ना, मेरी मम्मी मुझे तोड़ देगी, इतनी मुश्किल से तुम्हारी ग्रोथ हुई है। अब मारते हैं तगड़ा डंक, मैं देखता हूँ ऐसे मारते कुछ लोग डंक, ऐसे आए भाग के, देखो ऐसे आए, गाइस मेरा ना बड़ा मन करता है अपने स्कूल वाली बास्केट पे कूद के डंक मार लूं, पर हाइट नहीं है ना, मैं उसकी नेट टच कर देता हूँ कूद के, पर वो बास्केट की रिंग नहीं कर पाता, जिस दिन रिंग कर दी ना उस दिन तो डंक ही डंक शुरू हो जाएंगे, देख लो। अबे यार मेरा बैक शॉट सारे जाते हैं ज्यादातर, देखो और ये वाला शॉट ना पक्का जाएगा 100%। ऐसा मैं मजाक कर रहा था, ये वाला जाएगा, ये वाला नहीं गया ना तो कुछ नहीं, पर ये वाला जाएगा मुझे पता है। एक लास्ट चांस, और नहीं मांगूंगा,
एक बार इंसान गलती करता दूसरी बारी पर तीसरी बारी नहीं करता, इस बारी मैं अभी नहीं करूँगा। देर खेल लिया, अब इसको ना बाथरूम में रख देता हूँ। हाँ तू यही रह, तेरी परफेक्ट जगह यही है, अब कल आऊँगा खेलने। बाय। सो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।